तो गाइस बॉल को पीठ पे बैलेंस करना या फिर नेक्स्ट टॉल करने का आज ही आपका लास्ट ट्यूटोरियल होगा। इसके बाद आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप गलती करते हो जिसकी वजह से आप इसको सही से नहीं कर पाते हो। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया है, मैं आपको इसमें रोनाल्डिनोस नेक्स्ट टॉल सिखाने वाला हूं, जिसमें जैसे कि आपने देखा होगा रोनाल्डिनो को काफी करते हुए वार्म अप में और वैसे भी फ्री स्टाइल में कि वो अपनी बॉल को अपने पैर की मदद से अपनी पीठ पे या फिर नेक्स्ट टॉल भी बोलते हैं अपनी पीठ पे बॉल को बैलेंस कर लेते थे। तो उसका मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना स्टेप बाय स्टेप, और ये देखने के बाद आप इसको करने में परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए गाइस लेट्स रोल। गाइस फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आप फुट स्टॉल करोगे, यानी कि बॉल को आप अपने पैर पे ऐसे ऐसे उठा लोगे, ठीक है। बाद जब आप बॉल को पैर पे ऐसे सेट कर लोगे, उसके बाद आपको बॉल को टॉस करना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको बॉल को कैच कैसे करना है। आपको मोशन इस तरीके से करना है, यानी कि आपका जो बैक है वो पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड के इस तरीके से, और आपका जो जब बॉल टच करेगी ना आपकी इस वाले पोर्शन को, नेक वाले पोर्शन को, तब आपका एकदम से ये पीछे हल्का सा नीचे की तरफ आएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कुछ ऐसे, जैसे कि मैं बॉल थ्रो करता हूँ, ये आप देख रहे हो जैसी बॉल मेरे यहाँ पे टच कर रही है एकदम से कुशन बन रहा है, जिससे कि बॉल इधर उधर नहीं जा रही है। अब आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आप अपने हाथ से ऐसे अपने हाथ से ऐसे फेंक के भी आप कैच कर सकते हो, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप जब आपका ये परफेक्ट हो जाए, उसके बाद आप पैर से उछाल के फुटस्टॉल से रख के फुटस्टॉल करके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो नीज हैं वो सही टाइम पे बेंड होंगे बॉल को कैच करते हुए, यानी कि जब बॉल आपके एयर में आपके यहाँ के पास है तो आपको अपनी नीज बेंड करके बॉल को कैच करना है, और आइज ऑन द बॉल होनी चाहिए आपकी हमेशा। यहाँ से जैसे बॉल जाएगी आपको यहाँ तक बॉल को देखना है, फॉलो करना है, फिर आपको आराम से इसको कैच करना है, और अपने बाजू इस तरीके से अपनी बाजू इस तरीके से खोल लेनी है, ताकि वो आपको एक एरिया प्रोवाइड करता है बॉल को कैच करने के लिए। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखा होगा वीडियो में मैंने बॉल उछाली थी कुछ इस लेवल तक, बस इतने लेवल तक आनी चाहिए ताकि आपको कैच करने में मुश्किल ना हो और आपकी रेंज में रहे। अब आप ये गलतियां देख लो, पीठ पैरेलल ना होने की वजह से बॉल कभी कभी मतलब बैक से रोल हो जाती है। आप देखो ये चीज़ सही से ना होने की वजह से जो बॉल है वो पीठ पे टिकेगी नहीं कभी, देखो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपकी पीठ हमेशा पैरेलल होनी चाहिए, और आपको फुट स्टॉल यानी कि बॉल को पैर पे टिकाना अच्छे से आना चाहिए। ये देखो ये ना आए तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इसके अलावा जब आपकी बॉल पीठ पे लगे तब आपको एकदम से नीचे को खींचना है, इसकी वजह से बॉल अगर दूर जा भी रही होगी तो भी आपके पास आ जाएगी, और आपको फुट स्टॉल तो सही से करना ही है गाइस, वो बहुत जरूरी है। आपको ये याद रखना है कि आपकी पीठ हमेशा नीचे को आएगी जब भी बॉल आपकी पीठ के पास आएगी, बिल्कुल नीचे को, इसकी वजह से बॉल इधर उधर नहीं गिरेगी और आपकी बाजू हमेशा खुलेंगी। बाजू ना खुलने की वजह से क्या होता है, बॉल कभी कभी इधर उधर गिर जाती है, ठीक है। और बाजू अगर खुली होती है तो एरिया ज्यादा मिलता है बॉल को आपकी पीठ पे टिकने के लिए। आप फ्रंट एंगल से देख लो कि आपकी बाजू कितना हेल्प करती है, ये देखो ये एरिया मिल गया तो बॉल इधर उधर नहीं जाएगी राइट लेफ्ट की तरफ। अब ये देखना मैंने अपनी बॉडी को एब्जॉर्व किया और मेरी बाजू भी खुली थी, और बॉल देखो कितने आराम से टिक गई है मेरे पे, और कितने टाइम तक मैं इसको रोक सकता हूँ ये मेरी मर्जी है। मैं रोटेट भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से ताकि मेरा बैलेंस सही रहे। एंगल से आप देख लो जो आपकी बाजू एक्सपेंड करने का जो सीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसकी वजह से बॉल हमेशा आपके कंट्रोल में ही रहती है गाइस। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो, और बाकी इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और आज की वीडियो में इतना ही गाइस, पीस आउट।